हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका सिक्स पार्ट है ये। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल है जो ग्रो यूथ क्लासेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपको बता दें क्लास 11th में ये जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्लास 11th के फिजिक्स, चाहे क्लास 12th हो या क्लास 11th, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्यों होती है और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम मान के चलो मार्केट में कुछ लेने जाते हैं और शॉपकीपर जो होता है वो हमें उस किसी चीज़ के स्पेसिफिकेशंस बताने शुरू करता है। मान लो हम दुकान पे गए और हमने उसको बोला कि हमें एक टीवी दिखाइए और वो हमें टीवी की स्पेसिफिकेशन बताता है कि इसमें ये अल्ट्रा एचडी है, ये 4K है, या इसमें ये एलसीडी स्क्रीन ये वाली है, इसमें आईपीएस डिस्प्ले है, कुछ भी बताता है। तो हम उसको सबसे पहले क्या बताते हैं, सबसे पहले हम उसको बताते हैं रेंज, कि हमें इस रेंज में चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 1 लाख से ऊपर वाला रेंज की टीवी बता रहा हो और हमें, हमारा बजट कितना हो, 50,000, ये हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर फिजिक्स में हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो हमें किसी भी दो चीज़ों का कंपेयर करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर यूज्ड टू मेक अप्रोक्सीमेट कंपैरिजंस इफ नंबर्स डिफर बाय वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान के चलो हम, अगर हम देखें कि 50,000, अगर हमारा बजट 50,000 है और हमें अगर कोई चीज वो 1 लाख से ऊपर की दिखा रहा है, ठीक है, तो हमें अपना बजट उसको बताना होगा। इसी प्रकार फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी कोई रेंज है, कोई ऑर्डर है, वो 50,000 की ऑर्डर का है और दूसरी चीज़ 1 लाख के ऑर्डर का है, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करके उसको बताने की कोशिश करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड का है। तो इसको हम देखते हैं, पहले यहां देखते हैं क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 10 यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू a इंटू 10 की पावर b। यहां पे जो 10 की पावर b है, यही इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 10 की पावर में जो नंबर आता है वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहां मान के चलो एक हमने नंबर लिया, कोई रेडियस है या कुछ भी है, किसी एटम का साइज है या किसी प्लेनेट का साइज है या किसी और चीज का साइज है, मान के चलो 3725 मीटर, कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक नंबर है 3725। अब हमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि हम इसको ऑर्डर में समझाएंगे। तो इसको ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ए जो है, यहां पे हम सिर्फ एक नंबर आगे लेंगे, बाकी सबको पॉइंट लगा के बाकी सबको पीछे कर देंगे। जैसे यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 3.725 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसको हमने लिखा 3.725 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि ये हमें क्या बताता है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। अब ये हमारे किस काम में आता है, ये हम अभी देख लेंगे, पहले हम ये देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। यहीं पे अगर हम कोई दूसरा नंबर लें 127500, ठीक है, ये नंबर लिया, इसको हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1.275 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 10 की पावर 5। ये किस ऑर्डर का है, ये 5 ऑर्डर का है, 5th ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये
टेन की पावर में कोई भी नंबर होगा उसको टेन की पावर में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम समझेंगे कि ये किस ऑर्डर का है। ठीक है, इसका हम यूज इसलिए भी करते हैं कि मान के चलो हमें देखना है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो वो भी हमें यहां पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 100, 200, इसको तो हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 2, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब यहां पे बात आए अगर 990, अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.9 × 10 की पावर 2। क्या ये सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर मतलब बोले तो 100 के पास, लेकिन अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 100 के पास ना होके ये 1000 के पास है, 1000 के बहुत क्लोज है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा कि हम 990 को सेकेंड ऑर्डर का बोले अगर, तो ये 990 सेकेंड ऑर्डर का अगर बोलेंगे तो 100 के पास आएगा, जबकि ये 1000 के पास है। तो 1000 के पास है तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा, ऑर्डर 3 का बोलना पड़ेगा। ऑर्डर 3 का बोलने के लिए हमने क्या है, फिर यहाँ पे हमने एक रूल बनाया कि अगर 50% मतलब 5 के इस तरफ होगा, 5 से कम होगा तो हम इधर ले लेंगे, और 5 के उस तरफ होगा तो 1000 के पास ले लेंगे। मतलब 500 तक अगर है, 200, 300, 400, 450 अगर ये है, तो हम इसको ऑर्डर बोलेंगे 100, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर का बोलेंगे 10 की पावर 2। और अगर यहाँ पे 600 या 700 आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर 3 का है ये। ठीक है, ये हमने रूल बना लिया कि 50% से इधर होगा तो हम इस तरफ वाला ले लेंगे और उधर होगा तो उस तरफ वाला ले लेंगे। ठीक है, तो 990 हमारा किस ऑर्डर का हो गया, थर्ड ऑर्डर का हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लें, अगर हम मान के चलो कुछ और एग्जाम्पल से यहां समझें। मान के चलो कि एक पर्सन की हाइट, एक जनरल पर्सन की हाइट, जनरल पर्सन की अगर हाइट के बारे में बात करें तो उसकी हाइट जो है उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलो मीटर में बात करें तो एक किसी व्यक्ति की हाइट कितनी हो सकती है, 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर 1 से 2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 मीटर है अगर तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, क्या 10 की पावर कुछ आ रहा है, 10 की पावर 0 आ रहा है। ठीक है, 2 मीटर आएगी हाइट, 2 मीटर हाइट होगी तब भी 10 की पावर 0 ही आएगा, यानी कि 10 की पावर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि जनरल पर्सन की हाइट की अगर हम बात करें तो उसका ऑर्डर कितना होता है, उसका ऑर्डर होता है 0। हाइट का, जनरल पर्सन की हाइट का ऑर्डर 0। अब हम बात करें किसी एक सिटी में, मान के चलो हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में किसी एक मेट्रो स्टेशन से एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन के लिए अगर हमें जाना है तो उस डिस्टेंस का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। अगर मान के चलो कि हम दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, वहां से अगर हम बात करें हमें गुड़गांव जाना है, तो गुड़गांव में कोई भी स्टेशन अगर हम ले लें, मान के चलो एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे अगर जाना है तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, इस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लगभग 40 के आसपास होगी या 30 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये छोटी डिस्टेंस के लिए, अब इसमें ऑर्डर क्या आएगा, ये या तो 10 या 100, तो क्या ये 100 के पास है या 10 के पास है, तो ये 10 के पास है, 50 से अबव होता तो हम सेकेंड ऑर्डर का उसको बोल सकते थे। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी किस ऑर्डर की हुई, 1 ऑर्डर की, यानी कि ये जो मेट्रो स्टेशंस के बीच में जो ऑर्डर आता है वो कितना लगभग 1 ऑर्डर का होता है। ठीक है, हम अब एक शहर से दूसरे शहर में जाने की बात करें, हम मान के चलो दिल्ली से आगरा जाएं, तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए कितनी ऑर्डर की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो 100 से तो ऊपर होगी, 100 से ऊपर होगी, लेकिन 500 से कम है, 100 से ऊपर है, 500 से कम है, तो यानी कि किस ऑर्डर का लेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर का, यानी कि 10 की पावर 2। अगर मान के चलो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है दिल्ली टू आगरा,
तो 200 किलोमीटर है तो वो 100 के पास आ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। और अगर 500 से अबव होगी तो सेकेंड थर्ड ऑर्डर का आएगा, तो 1000 के पास ज़्यादा होगा तो हम लिख देंगे उसको थर्ड ऑर्डर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम कुछ जो हम अपने प्रीफिक्स यूज करते हैं फिजिक्स में कि कितनी पावर है, तो उसको हम किलोमीटर बोलेंगे, तो ये हम यहां देख लेते हैं और इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। सबसे पहले यहां हम शुरू करते हैं, मान के चलो ये 1 मीटर है, मान के चलो हमने यहाँ पे मीटर लिया, लेंथ के लिए ले लिया हमने, मान लो अभी मान के चलो ग्राम भी ले सकते हैं अगर मास के लिए ले रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ हमने इसको मीटर मान लिया, मान के चलो 1। अब हम अगर ऊपर जाते हैं 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है डेका मीटर, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हेक्टोमीटर। तो यहाँ पे ये हमें ऑर्डर बताता है, ये 10 की जो पावर बढ़ती जा रही है ये हमें ऑर्डर बताता है। डेकामीटर में अगर कोई चीज है मतलब इसका ऑर्डर 1 है, हेक्टोमीटर मतलब पावर ऑर्डर 2 है, किलोमीटर अगर है तो 1000, 1000 में अगर हम मीटर को 1000 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर बन जाता है, मीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर बन जाएगा, और ये 10 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3। ऐसे ही मेगा में 6, और नीचे आएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, निगेटिव में ऑर्डर हो जाएगा, -1 -2 -3 -6 -9, ऐसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो ये नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव में हमारा ऑर्डर होता चला जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे कुछ और नंबर हो सकता है जिसको हमने नाम दिया था ए, इंटू 10 की पावर 24 है तो 24 ऑर्डर का हो गया, ये 21 ऑर्डर का हो गया। तो हमें सिर्फ हमें ये हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें याद है कि एग्जा की अगर बात करें तो किस ऑर्डर का है, 18 ऑर्डर का है। अगर हम पेटा की बात करें तो किस ऑर्डर का है, 15 ऑर्डर का है। अगर हम गीगा की बात करें तो किस ऑर्डर का है, 9th ऑर्डर का है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें यहाँ देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम फिजिक्स में इसका यूज जो करते हैं वो क्यों करते हैं वो देखते हैं। फिजिक्स में इसका जो यूज है वो इस तरीके से करते हैं कि अगर हमें एक चीज दूसरी चीज से कंपेयर करनी है, मान के चलो लेंथ कंपेयर करें, मास कंपेयर करें, किसी का साइज कंपेयर कर रहे हैं कि एक एटम का साइज है और अर्थ का साइज है, तो वो किस मैग्नीट्यूड का किस ऑर्डर का है और एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है, इसलिए हम यहाँ देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसका जो मास है वो होता है 10 की पावर -27, तो हम यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 20 -24 ऑर्डर, और ये होता है -27 ऑर्डर का, तो -24 ऑर्डर का प्रोटॉन होता है, तो हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो उससे क्या है थोड़ा ज्यादा द्रव्यमान है, कितने गुना ज्यादा द्रव्यमान है वो हम यहां से बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे कुछ हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, वायरस का -16 है ऑर्डर, अमीबा का -5 ऑर्डर का होता है, एक रेन ड्रॉप एक बारिश की बूंद का क्या होता है, 10^-3, यानी कि मिलीमीटर, उसका डायमीटर की बात करें रेन रेन ड्रॉप का तो वो किस ऑर्डर का होता है, 10^-3, यानी कि -3 ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। उसके बाद एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये इसका ऑर्डर क्या होता है, मास की बात कर रहे हैं तो 10^5 लिखा है यहाँ पे, 10^5 ऑर्डर होता है। अब ये 10^5 है, 10^5 ग्राम है, यानी कि 100 kg के आसपास लेके चलते हैं, 650 से अबव और 100 के बीच में, यानी कि हम ऑर्डर लेके चल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, बोले अगर केजी में बोलेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, और ग्राम में ले रहे हैं तो 5th ऑर्डर का, ठीक है। ग्राम में ले रहे हैं तो 10^5 में आता है, तो हम यहाँ पे 5th ऑर्डर का लेके चल रहे हैं। किसी प्राइमेट का बात करें तो 13th ऑर्डर का होता है। अगर अर्थ की बात करें तो 27 ऑर्डर का होता है, और केजी में अगर हम बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, 24th ऑर्डर का हो जाएगा, राइट। सन की बात करें तो 10^33 ग्राम इस ऑर्डर का, 33 ऑर्डर का है।
अगर गैलेक्सी की बात करें 44 ऑर्डर का है, और यूनिवर्स की बात करें तो 55 ऑर्डर का है, ये मास की बात हो रही है, ठीक है। अगर यही अगर हम लेंथ की बात करें, उसके साइज की बात करें, तो ऑर्डर अलग होगा। प्रोटॉन का ऑर्डर -15 में आ जाएगा, मीटर में बात करें, एटम का -10 में, रेडियस ऑफ बायरस तो -7 ऑर्डर का होता है रेडियस, अमीबा का अगर देखें साइज क्या होता है, -4 ऑर्डर का होता है, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो हमने अभी आपको बताया किस ऑर्डर का होता है, 10^0, यानी कि 0 ऑर्डर का होता है हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मीटर्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो 10^7 मीटर में लिया है। रेडियस ऑफ सन की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 9th ऑर्डर का। तो यहाँ पे जो हमने ये सब चीजें यूज की हैं, तो ये सब चीजें इसलिए यूज की हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज किससे, किसी भी चीज से कितनी बड़ी है। साइज की बात करें, मास की बात करें, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। जैसे यहाँ रेडियस सन की बात करी हमने 9 है, और यूनिवर्स की अगर बात करें, विजिबल यूनिवर्स या नॉन यूनिवर्स की बात करें, इसका रेडियस 10^-26, यानी कि उसका ऑर्डर क्या है, 26, और सन का 9। तो हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है, सन के साइज से कितना ज्यादा बड़ा है, ये हमें एक आइडिया लग जाता है। इसलिए हम फिजिक्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, यहां पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है, हमने जब एसआई यूनिट पढ़ ली हमने कि हाँ मीटर में हम मेजर करते हैं लेंथ, मास को हम केजी में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ ली, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा हमने, हमने लाइट ईयर देखा, हमने पारसेक देखा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, किसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, क्योंकि कुछ लेंथ ऐसी हैं जिनको हमें नापने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी मेथड यूज करने होंगे। क्योंकि मान के चलो लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको हम एक स्केल लेके तो हम नहीं यूज कर सकते, नहीं मेजर कर सकते। तो उसके लिए लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अगर हम दोनों पॉइंट पर अपनी अप्रोच है हमारी, मतलब हम कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो इसके दोनों पॉइंट को हम देख सकते हैं, दोनों पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं और उसको हम इजिली मेजर कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। When if we have approach on both ends to measure distance, it is direct method of measurement, ठीक है। ये हमारा हो गया direct method। इसमें हम use को क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले meter scale, meter scale हमें पता है, meter scale लाएंगे सीधा सेंटीमीटर मिलीमीटर तक उसमें हम measure कर लेते हैं। अब meter scale में minimum measurement कितना होता है, कुछ 1 मिलीमीटर उसमें छोटा division होता है, तो 1 मिलीमीटर minimum measurement होता है। अब अगर हमें उससे छोटी चीज measure करनी है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमें उससे भी छोटी चीज मेजर करके दे देता है, उससे भी छोटी चीज अगर हमें मेजर करनी है तो स्क्रू गेज यूज करते हैं। मतलब मीटर स्केल की बात करें तो 1 मिलीमीटर मेजरमेंट करता है मिनिमम, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर मेजर करेगा मिनिमम, और स्क्रू गेज जो होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करके हमें देता है, ठीक है। मिनिमम यानी कि लीस्ट काउंट, यानी कि सबसे छोटा मेजरमेंट स्क्रू गेज कितना करता है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और एक और होता है स्फेरोमीटर, वो भी हमें इतना ही मेजरमेंट करके देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड की बात, ठीक है। अब हम बात करें अगर इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मान के चलो हमें कुतुब मीनार की हाइट अगर हमें मेजर करनी है, तो मीटर स्केल से हम कितनी बार मेजर करेंगे, पहले मीटर स्केल फिर मीटर स्केल लगाते जाएंगे ऊपर तक, ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अब ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये चलो कुतुब मीनार हम मेजर कर भी लें, हमें एवरेस्ट मेजर करना है, उसका साइज ऐसे है, तो हमें उसके लिए मेजर करने में, हाइट मेजर करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इसमें कुछ मेथड हैं जैसे रिफ्लेक्शन मेथड है, अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, पैरेलेक्स मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक रिफ्लेक्शन मेथड सबसे पहले अगर देखें, रिफ्लेक्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं, तो अगर हमें मान के चलो समंदर है, ये सी है, और सी में कोई बोट है, ठीक है, ये बोट है, और यहां ये बोट चल रही है, और हम ये क्या कर रहे हैं, समंदर के नीचे हमें
अगर मेजर करना है कितना कितनी गहराई है समंदर की, तो अब समंदर की गहराई मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। कैसे यूज करेंगे, यहां से हम साउंड वेव्स को छोड़ते हैं, साउंड वेव्स की स्पीड हमें पता होती है, तो हम साउंड वेव्स को यहां से भेजेंगे और कितनी देर में वो वापस आएगी, कितनी देर में वो वापस आएगी, तो इसको हम किस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमें साउंड की पता है, टाइम हम मेजर कर लेंगे कितनी टाइम में लौट के आया है, आई है वो साउंड वेव, और तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कितनी गहराई है। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए हम इतनी स्ट्रेंथ की, इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स भेजेंगे कि वो वापस आ जाए। हो सकता है कि रास्ते में अगर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो लॉस्ट हो जाएगी, तो हमें कभी वो साउंड वेव्स लौट के नहीं मिलेगी। तो समंदर की गहराई यानी कि डेप्थ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड, और अल्ट्रासाउंड वेव्स ये भी हम यूज करते हैं अगर हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये मेजर करते गए साउंड वेव्स भेजी हमने, यहां से यहां वापस आ रही है, तो हमें पता है डिस्टेंस कितनी है। मान के चलो यहां जाके यहां से जल्दी वापस आ गई, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इस जगह पर या तो कोई पनडुब्बी है या कोई जहाज है या कोई चट्टान है। उसके बाद हम लोग, मतलब जो जहाज चला रहे हैं वो लोग, उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं क्या है यहाँ पे। हो सकता है कि किसी दुश्मन देश का यहाँ पे पनडुब्बी हो, जहाज हो, कुछ हो सकता है। तो यहाँ से इसी तरीके से हम ये सब चीजें यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड और अल्ट्रासाउंड वेव्स। ट्रिग्नोमेट्री भी, हमें किसी की अगर हाइट निकालनी है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेक्सटेंट बोलते हैं जिसको, अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो यहाँ से हमने इसको पहले उसको एंगल मेजर किया, वो ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट, कुछ एक स्केल होगी यहाँ पे एक और स्केल होगी, और उस स्केल को हम जब यहाँ से ऊपर उठाएंगे वो स्केल ऐसे आएगी, और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल लगी होगी जिसमें हमें एंगल दिख रहे होंगे, और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप या दूरबीन या कुछ लगा होगा जहाँ से हमें इसकी किसी जिसकी हम हाइट निकाल रहे हैं वो हमें ऊंचाई यहाँ से मेजर करके एंगल दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्री से हम फिर निकाल सकते हैं, मान के चलो हमें थीटा एंगल पता चल गया, यहाँ से निकाला, फिर थोड़ा और आगे गए, यहाँ से एंगल निकाला, तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कुछ यहाँ पे जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस की हेल्प से इजिली हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, लेंथ हम निकाल सकते हैं या डेप्थ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड हम यूज़ करते हैं। एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट है, पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड का यूज किस तरीके से किया जाता है, तो पैरेलेक्स मेथड में हम आपको बताएंगे, पैरेलेक्स मेथड हम यूज करते हैं जो स्टार्स होते हैं अर्थ से स्टार्स की दूरी मेजर करने के लिए। अब यहां से हम, अगर हम स्टार्स की दूरी मेजर करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम कैसे मेजर करें, इसकी हेल्प से अगर मेजर करना है कैसे, तो हमें सबसे इजी मेथड हमें निकालना था, तो साइंटिस्ट ने हमें ये इजी मेथड निकाल के दिया जिसका नाम है पैरेलेक्स मेथड। अब पैरेलेक्स मेथड का कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेज सच एज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट और अ स्टार फ्रॉम अर्थ इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अर्थ इज इन अपोजिट साइड्स ऑफ द सन इन इट्स ऑर्बिट। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, क्या लिखा है इसको हमें ऐसे नहीं समझना है। मान के चलो ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, हम क्या कर रहे थे, हमने पहले यहां से एक स्टार है, मान के चलो एक स्टार है, एक स्टार है, अब इस स्टार की हमें डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से कितनी है। तो ठीक है, हमने पहले यहां से स्टार को देखा, यहां से देखा, फिर यहां से देखा, और क्या होगा, हमें ये एंगल पता होगा, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल को ही हम पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं, और हम इससे कैलकुलेशन करके और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि हम अगर यहां से देखें और यहां से देखें, यानी कि अर्थ के एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर से अगर हम देखें, और डिस्टेंस ये जो है स्टार की वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि मान के चलो यहाँ एक स्टार है और यहाँ पे हमारी ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ से अर्थ की ये डिस्टेंस एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर से हम देखें। अब ये जो स्टार है वो इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि ये एंगल मेजर करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि
अगर हम बात करें, ये हमने इतना बड़ा बनाया है, अगर हम रियल में देखें तो हमें ऐसे मिलेगी दो लाइनें, कुछ ऐसे इतनी पास मिलेंगी कि ये अर्थ इतनी सी अर्थ दिखेगी। अब इतनी सी अर्थ दिखेगी यानी कि अर्थ के हम दोनों कॉर्नर पे अगर खड़े हो जाएं तो ये डिस्टेंस यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है, ये अर्थ का जो डायमीटर है वो इस वाली डिस्टेंस से, जो स्टार की डिस्टेंस है अर्थ से, उसके आगे बहुत छोटा है यानी कि नेग्लिजिबल है। अब नेग्लिजिबल है तो हम यहाँ पे एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे। अब अर्थ से बाहर जाके तो हम मेजर कर नहीं सकते, अर्थ से बाहर जाके कैसे मेजर कर रहे हैं जबकि इस डिस्टेंस के आगे पूरा अर्थ ही छोटा सा है। तो हमें ये प्रॉब्लम थी कि हम ये एंगल, पैरेलेक्स एंगल कैसे मेजर करें। इसलिए हमने क्या किया, हमें पता है कि अर्थ यहाँ होती है, यहाँ सन है, और अर्थ यहाँ भी जाती है क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करती है, राउंड घूमती है। ठीक है, अर्थ राउंड घूमती है इसके। अब इसके अराउंड जब अर्थ घूमती है तो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे अर्थ है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। हम जानते हैं कि अर्थ से सन की दूरी होती है 1 AU, 1 AU, और ये डायमीटर है, दो बार डिस्टेंस लेंगे तो 1 AU और 1 AU, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो हमारी हो गई 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक बार हम यहाँ पे देखेंगे खड़े होके स्टार को, और 6 महीने बाद जब अर्थ यहाँ होगी तो यहाँ से देख लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें पता है 2 AU है, और मान के चलो कहीं पर स्टार है। अब ये 2 AU जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस हो गई, तो जब ये बड़ी डिस्टेंस हो गई तब यहाँ से हम एंगल ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एंगल मेजर करने के लिए भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि पोजीशन जो अर्थ की है और स्टार की है ये सब कुछ तब तक चेंज हो चुका होगा, तब तक सब कुछ चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हो सकता है पहले स्टार यहाँ था फिर यहाँ था, तो यानी कि ये पोजीशन भी चेंज हो गई, यानी कि हमें अभी भी प्रॉब्लम थी कि कैसे हम ये एंगल निकालें। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि स्टार 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक नियरेस्ट नियर स्टार्स, एक फार स्टार्स और एक मिडिल स्टार्स। तो हम मिडिल स्टार्स की दूरी निकाल सकते हैं, फार स्टार्स की दूरी हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो मिडिल स्टार्स की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अर्थ है और यहाँ एक स्टार है जिसकी हमें दूरी निकालनी है, तो हम जो एंगल मेजर करें, हमने मान चलो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये एंगल ना निकालते हुए हम एक वर्टिकल लाइन लें, कहाँ तक, मान के चलो यहाँ पे एक फार अवे स्टार, जो यानी कि बहुत दूरी पर जो स्टार होते हैं, उस स्टार को हम देखें, उस स्टार को देखें तो यहाँ से वर्टिकल लाइन दिखेगी हमें, क्योंकि वो इतनी दूर है कि हमें वो वर्टिकल दिखेगा। और 6 महीने बाद जब हम यहाँ होंगे तो यहाँ से भी हमें ये वर्टिकल दिखेगा, जबकि वर्टिकल ये नहीं होगा। मान के चलो यहाँ स्टार है तो ये ऐसे होगा, वर्टिकल नहीं होगा, लेकिन इतनी दूर है कि ये दो लाइनें जो हैं वो हमें क्या दिखेंगी, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल दिखेंगी। जब ये पैरेलल दिखेंगी तो हम एंगल कौन सा निकालेंगे, एक ये एंगल निकालेंगे और एक ये एंगल निकालेंगे, ये दोनों एंगल निकालेंगे, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं ना कि ये वाला एंगल निकालते हैं, और ये दो एंगल मिल जाएंगे उनका सम कर देंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, और वो इस स्टार की हमारे यहाँ से डिस्टेंस होगी। यानी कि हम जो पैरेलेक्स मेथड यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पैरेलेक्स मेथड जो मिडिल स्टार्स होते हैं उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, ना कि फार अवे स्टार्स की डिस्टेंस। फार अवे स्टार्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो क्लास 12th में है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मिडिल स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है, वो फिगर यही है कि ये अर्थ है और 6 महीने बाद अर्थ यहाँ थी और 6 महीने बाद यहाँ आ गई। ठीक है, ये सन है, ये डिस्टेंस 2 AU हो गई, और यहाँ पे कहीं पे हमने एक फार अवे स्टार लिया, उसकी दूरी हमें यहाँ से लगभग पैरेलल दिख रही है, तो ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 हमें मिल जाएगा, उसका सम निकाल लेंगे, फिर ये राइट, फिर ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल हमें पता है, ये दोनों एंगल हमें पता होंगे क्योंकि ये एंगल क्या होंगे, ये वाले एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो हम ये इजिली निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितनी होगी, या राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लें तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। और अगर समझने के लिए हम देखें यहाँ पे, तो यहां हम देखते हैं कि यहां पे एक, यहां पे मान के चलो ये हमारी अर्थ घूम रही है, अगर आपको दिख रही हो, ये बहुत छोटा सा पार्ट
पार्ट अगर यहाँ पे हम कलर लें, कौन सा, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। ये एक अर्थ ये है, अर्थ ये है, और बीच में हमारा ये सन है, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, इस वाले स्टार की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार अवे स्टार्स हैं वो ये हैं, और इनसे हमने निकाला तो हमें ये वाले एंगल मिल जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। और ये एंगल मिल जाएंगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये डिस्टेंस इजिली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं समझ आ रहा है तो एक ये फिगर दिख रहा है, अब सोचो इनकी दूरी कितनी होगी, 750 लाइट ईयर्स, यानी कि कितनी दूर है हमसे, बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए हम इनको इस तरीके से निकालते हैं, पैरेलेक्स मेथड से। एक फिगर और है, इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, 6 महीने बाद यहां आ गई, ये सन है। हमें इस स्टार की दूरी निकालनी है, इस स्टार की, ठीक है। इस स्टार की दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहां से अगस्त में हम देखो ये लिखा है, ऑब्जर्वेशन इन अगस्त, ऑब्जर्वेशन इन फरवरी, यानी कि 6 महीने बाद हम देख रहे हैं। पहले यहां से देखा, ये हमें यहाँ दूर स्टार जो है उसको हमने देखा, फिर यहाँ से देखा, और इन जब हमने यहाँ से देख लिया तो हमें ये डिस्टेंस निकालने में इजिली हम ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। ये हमें एंगल हमें पता चल जाएगा तो हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पैरेलेक्स मेथड कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारा ये पैरेलेक्स मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने जो पढ़ा है वही इस स्टेप्स में लिखा है। जैसे सबसे पहले हमें एक फार अवे स्टार देखना होगा, तो फार अवे स्टार हमें एक देखेंगे जिसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमें दोनों लाइन पैरेलल दिखती हैं और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम θ1 एंगल मेजर करते हैं, जैसे हमने बताया था फिगर में, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हम देखते हैं, ठीक है। ये θ1, ये θ2, तो ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना होता है। तो हम पहले θ1 निकालते हैं दोनों के बीच में, फिर हम निकालते हैं 6 मंथ बाद मेजर करते हैं θ2 निकालते हैं, और उनको लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। अब ये θ हमें मिल गया, अब ये θ हमें मिल गया, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, 2AU है, ठीक है। अब ये जो है ये एक सर्कल बना दें अगर इसका हम पूरा, तो ये एक आर्क हो गया, और ये रेडियस मान लें, अगर हम ये डिस्टेंस को रेडियस मान लें तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बी अपॉन थीटा। बी क्या है, 2AU हमें पता है, 2AU, थीटा हमने निकाल लिया है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे और आर निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस हम आर निकाल लेंगे, और यही हमारी क्या निकल आएगी, अर्थ और स्टार के बीच में डिस्टेंस, और यही हमें मेजर करना था। तो आर हम कैसे निकाल सकते हैं, बी अपॉन थीटा, ठीक है। बी यानी कि 2AU, क्योंकि हमने 6 महीने पहले यहां से देखा, 6 महीने बाद वहां से देखा, उसके बाद थीटा एंगल हमें बीच में दिया गया है जो हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया, θ1 + θ2, ठीक है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पैरेलेक्स मेथड कंप्लीट हो गया। तो आज हमने देखा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब मेजरमेंट ऑफ मास की अगर हम जनरली बात करें, वैसे तो मेजरमेंट ऑफ मास जो है वो हमें सब पता है, केजी में, कुंटल में, टन में हम मेजर करते हैं। और एक जो है, जो मैक्सिमम दुनिया का सबसे हैवीएस्ट मास है, वो है चंद्रशेखर मास, या चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं जिसको। चंद्रशेखर लिमिट जो होती है मास की, दुनिया में जो जितना मैक्सिमम मास एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। बस मास में सिर्फ यही एक यूनिट है जो हमें, मतलब जो बड़ी यूनिट है, हैवीएस्ट जो हमें पढ़नी है, तो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, वो चंद्रशेखर मास हो गया, चंद्रशेखर लिमिट हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एरर शुरू करेंगे, एरर क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, और उनके कैसे न्यूमेरिकल्स क्लास 11th में पूछे जाते हैं, और IIT वगैरह में, नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और थ्योरी पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।